के सर्वप्रथम तो मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ, अपने पूज्य माता पिता को भी आज मैं याद करती हूँ। और मेरे लिए वाकई में ये बड़ा भावुक क्षण भी है कि आज पुनः इस क्षेत्र की जनता ने मुझ पर भरोसा जता करके देश के लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने पुनः मुझे पहुँचाया है। और साथ ही मैं अपने क्षेत्र की जनता का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों के अथक मेहनत के प्रयास के वजह से आज हम ये परिणाम पे हम पहुँचे हैं। और मैं अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत साधुवाद देखिए सबसे खुशी की बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में हम 29-29 हम लोग जीते हैं। और जहाँ तक 400 पार की जो बात है, और अभी काफ़ी सारी सीटों में अभी शायद गणना चल रही है, जब तक फाइनल टेबुलेशन आ नहीं जाता हम कुछ अभी कह नहीं सकते। और ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर चिंता करेंगे, अगर कहीं पे कोई त्रुटि हुई है, कहीं पे कोई चूक हुआ है, तो उस पर विचार पार्टी करेंगे। मैडम, इस क्षेत्र की जनता को सीधे नागपुर के लिए ट्रेन मिलेगी क्या आने वाले समय में? निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा।